से इसमें सबसे बड़ी गलती क्या पंजाब पुलिस की नहीं? वो चार तस्वीरें दिखाइएगा, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो रही हैं और पंजाब पुलिस बेखबर है। अजनाला पर जब उसने अटैक किया उसके बाद भी आपने उसको नहीं पकड़ा। देखिए सुबह 11:27 मर्सिडीज कार में था, एक सेकेंड, उसके बाद 11:35 में ब्रेजा गाड़ी बदलता है वो, फिर वो 11:56 पे बाइक पे, उसके बाद बुलेट पे, ये देखिए, और ये सब कुछ वो आधे घंटे एक घंटे में अलग अलग जगहों पर बदल रहा है, सब कुछ कर रहा है। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी? सीसीटीवी फुटेज आई है बाद में। मैं आपको एक बात बताऊं, देश की कोई भी राज्य की सरकार हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, वो देश के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर अगर उनसे चूक हुई है, वो व्यक्ति निकल गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन आप उसको टारगेट करके आप ब्लेम करेंगे, इस पार्टी की राज्य सरकार है, इसने भगा दिया। पुलिस जो है, पंजाब की पुलिस माननीय पुलिस है और उसने इतनी साहसी पुलिस है, उनका शौर्य और उनकी बहादुरी का सिक्का पूरे देश में चलता है। पंजाब पुलिस का अगर सिपाही है, अगर उसको कोई चरण सिंह सापरा साहब कोई भी व्यक्ति प्रेशर डालेगा, वो किसी प्रेशर में नहीं आएगा, वो पहले देश के लिए खड़ा होगा, उसने देश के लिए कसम खाई है। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चूक हुई है, हम सब लोग कलेक्टिवली साथ हैं और साथ खड़े हैं इस आतंकवाद के और देश के खिलाफ। जवाब सुन चरण सिंह सापरा साहब, क्या ये सही है? देखिए, परमिंदर सिंह जी जो अभी बात कर रहे थे, उससे एक बड़े पैमाने पर इस तरह से नजर आ रहा था जिस तरह से वो राज्य सरकार को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत आज जो भी वाकया घटा है उससे हकीकत ये नजर आती है कि एक तो इंटेलिजेंस फेलियर है, वो राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, और उसी तरह से क्यों राज्य सरकार इतनी मजबूर और कमजोर नजर आ रही है। आपको मैं याद दिला दूं कि जब अजनाला पर कूच करना था अमृतपाल ने, तो एक दिन पहले उसने डिक्लेयर किया था कि मैं उस पुलिस स्टेशन पर अपने सारे लोगों के साथ में जाने वाला हूं, तो फिर प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिए गए? और इसी तरह से हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसीलिए वो भाग निकला ना, नहीं तो पकड़ा जाता था। और उसकी हर मूवमेंट पर क्यों आज पंजाब के अंदर बीएसएफ भी है, केंद्र की एजेंसियां भी है, राज्य की एजेंसियां भी हैं, कैसे भाग गया? उसकी एक्टिविटी पर आज से नहीं, कई दिनों से नजर थी ना। पंजाब को ये जो आतंकवाद का जो माहौल फिर से नजर आने लगा है, जो दस्तक दे रहा है, आज बिट्टा जी यहां पर बैठे हैं, इनके ऊपर भी आतंकियों ने कम से कम 4 से 5 अटैक किए हैं, 2 बम अटैक हुए हैं, एक लंबा दौर पंजाब ने देखा है। अब उसके बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर की भी हत्या हुई, शहादत हुई, अनेकों पुलिस वालों की हत्या हुई और शहादत हुई, तो इतना सब खून बहने के बाद में अगर पंजाब को शांति मिली है, तो फिर आज अगर वहां पर गुंडागर्दी बढ़ती है, फिरौती के केस बढ़ते हैं, मर्डर बढ़ते हैं, अगर वहां पर उग्रवाद दस्तक देता है, आईएसआई का हाथ नजर आता है, तो फिर किसी न किसी की तो गलती है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इससे दूर कैसे हट सकती है? हम पुलिस पर और इस पर नहीं ज्यादा जाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, इस तरह के वाक्या बढ़ रहे हैं। यानी अगर मोहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी अटैक होता है, अगर तरन तारण के एक पुलिस स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट होता है, भाई पुलिस पर अटैक हो रहे हैं, तो ये सरकार नॉन सीरियस है, ये सरकार कमजोर है, ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सिद्ध होता है, तो क्यों ना हम लोग कहें, क्यों ना हम चेताएं, क्यों ना हम जनता को बताएं कि आपने जिस सरकार को चुन करके लाया है वो सरकार कमजोर है, वो सरकार लायक नहीं है, और वो सरकार इस तरह के उग्रवाद से और गुंडागर्दी से लड़ नहीं सकती। कभी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है, कभी वहां पर सुधीर सूरी का मर्डर होता है, और आपको बता दूं कि पिछले वर्ष में एक महीने में यानी 21 दिनों में 19 मर्डर हुए पंजाब के अंदर। आप डेटा निकाल करके देखिए किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी बढ़ी है, फिरौती बढ़ी है, मर्डर बढ़े हैं, तो ये सरकार के ऊपर खुलेआम ये प्रश्न चिन्ह उठता है। अब जवाब सुनिए साहब, साहब बोलिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे आएंगे, ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हमारी, मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, 6 महीने 8 महीने से सरकार आई, उससे पहले आपकी सरकार थी, और पंजाब को संताप में डालने के लिए, पंजाब का माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा, आपने अभी खुद ही बताया ना सर कि अमृतपाल कितने महीने पहले आया है। नहीं, अमृतपाल आया कितने महीने पहले आया? 6 महीने पहले आया। फिर ये क्यों हो रहा है? नहीं, और इसको एक सेकंड राजनीति मत कीजिए, राजनीति को ढाल मत बनाइए, बट आपको दिख रहा है साहब क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, एक शख्स हमला करता है, खुलकर आह्वान करता है कि मैं हमला करूंगा, खालिस्तान खालिस्तान रोज बोल रहा है, बाकायदा टीवी इंटरव्यूज दे रहा है,
और आपको समझ ही नहीं आ रही है आपकी पुलिस को कि मामला कितना गंभीर है। पुलिस जो फिर आप बोले राजनीति मत कीजिए, सब चुप हो जाए। एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके सही वक्त पे उसका उसको अंजाम देती है। वो निकल गया, ये चूक है, राज्य सरकार की भी चूक है और सेंट्रल सरकार की भी चूक है। इस बात को मैंने पहले भी बोला है, लेकिन पुलिस के हाथ से कई बार क्रिमिनल निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने जानबूझकर निकाले हैं। आप किसी की इंटीग्रिटी के ऊपर, चाहे पुलिस हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो, उसको टारगेट नहीं कर सकते। रुक जाइए शशिकांत जी। देखिए अंजना जी, सब जो पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, इंद्रजीत जी माफ कीजिए जी, जो लोग पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, इन्होंने तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करना है। पर आज जिस डेजिग्नेशन के साथ आपने मुझे बुलाया है और जिस डेजिग्नेशन के साथ आपके चैनल में बैठा हूं, मैं तो वो कहूंगा जो गुरु साहब का आदेश है। हमें तो गुरु ग्रंथ साहब ओपन एरिया में ले जाने की इजाजत ही नहीं है। एक बात, खालिस्तान हम इतना सा एरिया क्यों मांगेंगे? क्योंकि हमें तो 5 तख्त हमारे हैं पूरे भारतवर्ष में पहले हुए हैं, जिनका हम हुक्म मानते हैं, जो हमारे लिए सर्वप्रिय हमारी अदालत है। हम अच्छा करें बुरा करें उन तख्तों का आदेश मानते हैं। सबसे बड़ी दोषी आज जो पंजाब की इस तरीके से हर तरफ थूथू हो रही है, पगड़ी की रोज चर्चा हो रही है। जब पगड़ी की चर्चा किसी अच्छे रूप में हो तो मन खुश होता है कि आज वहां, जैसे हम अभी पीछे तुर्की में आया था तूफान, हम लोग वहां पहुंचे। इस तरीके की चर्चा अगर पगड़ी की हो अच्छी लगती है। आज पगड़ी की पिछले एक हफ्ते तो चर्चा हो रही है, रात को नींद भी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी दोषी सरकार अगर कोई है तो वहां आपकी आप पार्टी सरकार है, जो ये जबकि सरकारें जितने भी हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो आती है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे। आप सुरक्षा से कंप्रोमाइज करके जा रहे हो। पहले वाली सरकारों को नकारा दिया वहां की संगत ने, वहां के लोगों ने। आपको दिल्ली में सरकार थी हमारी सिख समाज की वजह से, सिख लोगों ने आपको आंख बीच के मैंडेट दिया, उसी में आपका ट्रस्ट करता हुआ आपने पंजाब में सरकार बनाई। क्या आप तो इसलिए बनाई थी? आप सोए रहे। आज आपकी सारी एजेंसियां, आप सारी एक्टिव हो गई, सब चीजें आप हर जगह घर घर पहुंच रहे हैं। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप ठीक है, जब वो अमृत छकाने की बात कर रहे थे अच्छा समझ आ रहा था, जब यूथ को नशों से हटाने की बात कर रही थी समझ आ रहा था, जब सरकार को लगा कि ट्रैक कहीं चेंज हो गया है, आपको उसी समय रोक लगाना चाहिए, उसी समय अपनी एजेंसियों करना चाहिए। आज अंजना जी, जब आपके पास भी हमारे पास भी अनेकों तरह की वीडियो आती है कि एक महिला, हमारी बहन माता रोड पे खड़ी है और सामने से सिख आता हुआ नजर आ जाए तो वो सोचती है कि मैं बच गई, मेरे को शेल्टर मिल गया। वीडियो आती है कि अगर कोई भाई नदी में नहर में डूब रहा है, हम अपनी पगड़ी जो गुरु साहब की दी हुई शान है उसको लटका के हम उसको नहर से बाहर निकालते हैं। हमारी पहचान ये है। अरे तो गुरु साहब ने 20 रुपए का लंगर लगाया, अगर गुरु साहब ने 100 रुपए का लंगर लगाया होता तो घर में रसोइयों की जरूरत नहीं पड़ती। आज ऑक्सीजन के टाइम पे जब सारी सरकारें फेल हो गई, सब जगह जगह सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, हम अपने घर बार बच्चों का सेवा ना करके हमने रोड पे बैठ के सेवा करी है। हमें आज तारीफ मिलनी चाहिए। वो पंजाब जहां पहले यूथ बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज देखिए ना, हमारे आधे से ज्यादा पंजाब फॉरेन कंट्री में पड़ा है। अरे आपको सरकार दी है, 9 साल पहले बनी हुई पार्टी जिसको 2 स्टेट में सरकार दी है, क्या हमने आपके फ्री का लंगर लेने के लिए या फ्री का आपके ऑक्सीजन वो गैस लेने के लिए बिजली लेने के? अरे जब हम लंगर लगाते हैं हमें फ्री की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपको सरकार में फ्री की चीजें बांटने के लिए दी गई है? क्या बिजली फ्री दी है? आप ये दीजिए फ्री दिए, फ्री वाली संगत नहीं है। ये पगड़ी को फ्री लेना नहीं सिखाया, पगड़ी को सिखाया गया कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे कर्मों में लगाओ। हम क्या आपके फ्री के ऊपर आपको सरकार नहीं दिया? आपको सोचना चाहिए, अगर सरकार आपको दी गई है और 9 साल पुरानी पार्टी को 2 जगह सरकार दी है तो आपके ऊपर कुछ विश्वास रखा है? इस तरीके का जो माहौल है पंजाब में, ये विश्वासघात है पंजाब की जनता के साथ।